नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस नए YouTube वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अजय यादव HL क्लासेस से। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक है। मैंने जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूं, जो SSC के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए आज बात करते हैं मौर्य काल से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चौथा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए। अगला क्वेश्चन है इसमें पाँच नंबर है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से आया। इस युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र स्थान कौन सा था? तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जो है ये, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सम्राट अशोक की पत्नियों में किसने उनको सबसे अधिक प्रभावित किया था? करुवाकी ने। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है नालंदा में। उसमें दूसरा क्वेश्चन था, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड इनमें सही जवाब आया है जो कि है नीरज का नालंदा विश्वविद्यालय, और 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय है। आकांक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ़ करने के लिए। और चंदेल और सोलंकी नहीं है, इसमें सातवाहन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर इस प्रकार का और वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल HL क्लासेस पर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।